आज की जो जनरेशन है वो इसलिए शादी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उनको पता है कि इतनी लंबी कमिटमेंट कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि आज की जनरेशन पाती है कि अकेले वो काफ़ी शायद सुखी हैं, हैप्पीनेस उनके जीवन में शायद है, इसीलिए ज़्यादातर लोग आजकल अकेला ही रहना पसंद करते हैं, अकेला खाना पसंद करते हैं, अकेले घूमना पसंद करते हैं, अकेले ही जो जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। तो आजकल की जीवन जो है बहुत भागदौड़ से भरपूर हो गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो लोग हैं अकेले ही रहना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि वो अकेले ही रहें और सारी ज़िंदगी अकेले ही निकाल लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट और संबंधों में कमिटमेंट और बहुत ज़्यादा इसमें जो है निर्भरता तत्परता दिखाना वो उचित नहीं समझते। इसीलिए आजकल के जो भी युवाएं हैं वो सोचते हैं कि अगर अकेले अगर जीवन व्यतीत हो सकता है तो फिर अकेले ही जीवन को व्यतीत किया जाए, और जीवन का आनंद अकेले अगर लिया जा सकता है, प्रकृति का आनंद, जीवन का आनंद, नौकरी का आनंद, व्यवसाय का आनंद अगर अकेले जो है लिया जा सकता है तो लिया जाए। यही एक वजह है कि लोग आजकल अकेला रहना चाहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले रहने में अपनी शांत समझते हैं, और वो ये भी समझते हैं कि आज के समय में कमिटमेंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन बदल चुका है, जीवन की सच्चाई बदल चुकी है, जीवन जीने के तरीके बदल चुके हैं, नौकरी के मायने बदल चुके हैं, बिजनेस के मायने बदल चुके हैं, संसार के मायने बदल चुके हैं, जीवन के जो मायने हैं वो बदल चुके हैं, सब कुछ इतना बदल चुका है कि जो आज का युवा है वो इसीलिए वो अकेला रहना चाहता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि अकेले रहेंगे तो शायद सुखी रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सुखी रहे, कम से कम सुख तो रहे, मन की शांति तो बरकरार रहे, क्योंकि अगर वो अकेले हैं तो मन की शांति उनके पास है ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनको अनुभव होता है, ऐसा उनको आभास होता है। इसीलिए आज का युवा जो है अकेले रहना पसंद करता है, अकेले रहना चाहता है और अकेले रहने में ही अपने आप को खुश दिखता है, समझता है और पाता है।